हेलो एवरीवन, आप इस वीडियो में जानेंगे कि हैश टेबल में कॉलिजन क्यों अकर होता है, राइट, एंड कॉलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक्स की हेल्प से आप कॉलिजन को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, राइट. अब कॉलिजन क्या है, कंडीशन है, ओके. अब कॉलिजन अकर, ये कंडीशन कब अकर होती है, व्हेन टू और मोर कीज आर असाइंड द सेम हैश वैल्यूज इन अ हैश टेबल. जब आप हैश टेबल में डेटा को मैप करते हैं, राइट, उसके लिए आप कुछ फंक्शंस यूज करते हो, हैश फंक्शंस यूज करते हो. इस प्रोसेस में अगर एक से ज्यादा डेटा वैल्यूज को, एक से ज्यादा कीज को, राइट, यहाँ पे डेटा एलिमेंट्स को कीज कहा जाता है, अगर क्या होता है, सेम हैश वैल्यू दे दी जाती है, सेम इंडेक्स वैल्यू दे दी जाती है, तो यहाँ पे कॉलिजन अकर होता है, राइट. तो फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे हम कॉलिजन का एग्जांपल देखते हैं. इफ यू हैव अ हैश टेबल डेट हैव इंडेक्सेस फ्रॉम 0 to 9, हमारे पास एक हैश टेबल है जिसके अंदर इंडेक्स वैल्यूज है फ्रॉम 0 to 9, द हैश फंक्शन विल देन बी, यहाँ पे हम हैश फंक्शन यूज कर रहे हैं, I modulus 10, right? तो यहाँ पे I क्या है, आपकी की है. Suppose we have to insert the values, यहाँ पे आपको insert करनी है values 22, 9, 14, 17 and 42 in this hash table, right? तो हमारे पास numbers जो hash करने हैं वो ये है, okay? और formula आपके पास क्या है, K mod M. K क्या है आपका key and M क्या है आपका size of the hash table, right? Okay, तो सबसे पहले जो आपकी key की value है वो 22 है, 22 modulus 10, तो आपका remainder क्या आया, 2, राइट. 2 पे आपका आ गया 22, देन आपका 9 मॉड्यूलस 10, आपका रिमाइंडर क्या है, 9, ओके. तो इसको हमने मैप कर दिया 9 पर, ऐसे आपका 14 आपने मैप कर दिया इंडेक्स 4 पर, राइट. तो यहाँ पे ये आपकी क्या हैश वैल्यूज है जिसकी हेल्प से आप अपने डेटा को, अपनी वैल्यूज को मैप कर रहे हैं, ओके. नाउ 17 को आपने मैप कर दिया 7 इंडेक्स पे, राइट. अब 42 में अगेन क्या आया है, अब जो आपकी हैश वैल्यू आई है वो 2 आई है, 40, राइट. तो यहाँ पे देखो, एक इंडेक्स पे दो एलिमेंट्स को आप कैसे मैप करोगे, तो यहाँ पे ये जो कंडीशन अकर हुई है इसे आप कॉलिजन कहोगे. देन द हैश फंक्शन विल मैप द वैल्यूज 22 एंड 42 टू द सेम इंडेक्स कॉजिंग अ कॉलिजन. तो इस जो कंडीशन को, जहाँ पे एक से ज़्यादा वैल्यूज को सेम हैश वैल्यूज मिलती हैं, सेम इंडेक्स वैल्यूज मिलती हैं विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला, उसे आप, उस कंडीशन को आप क्या बोलते हो, कॉलिजन, राइट, ओके. अब हमारे पास कुछ कॉलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक्स हैं, ओके. तो उनमें आपके पास है ओपन हैशिंग एंड क्लोज्ड हैशिंग. ओपन हैशिंग में आपके पास टाइप है चेनिंग, एंड क्लोज्ड हैशिंग में आपके पास टाइप है लीनियर प्रॉबिंग, क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग एंड डबल हैशिंग, राइट. अब इसको हम वन बाय वन देखेंगे, राइट, ओके. देयर आर जनरली टू टाइप्स ऑफ कॉलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक्स, दो टाइप की कॉलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक्स होती हैं, ओपन हैशिंग एंड क्लोज्ड हैशिंग. ओपन हैशिंग और चेनिंग, और यहाँ पे अब हम बात करें ओपन हैशिंग की. ओपन हैशिंग को आप चेनिंग भी कह सकते हैं. ओपन हैशिंग और मोर वाइडली नॉन एज चेनिंग इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट अप्रोचेस टू अवॉइड कॉलिजन इन द हैश टेबल, राइट. तो यहाँ पे ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है जिसका कॉलिजन रिमूवल में यूज किया जाता है, राइट. इन ओपन हैशिंग ईच हैश टेबल स्लॉट, ऑल्सो नॉन एज बकेट, तो यहाँ पे टेबल के स्लॉट को आप बकेट भी कह रहे हैं, कंटेन्स अ लिंक्ड लिस्ट ऑफ द एलिमेंट्स डेट हैश टू द सेम स्लॉट. तो यहाँ पे क्या होता है, अगर एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को सेम स्लॉट मिलता है, ओके, सेम इंडेक्स पर सेम प्लेस मिलता है, स्लॉट क्या है यहाँ पे, इसका प्लेस, राइट. तो यहाँ पे क्या करेगा, इस स्लॉट के साथ आप एक लिंक्ड लिस्ट ज्वाइन कर दोगे, ओके, ठीक है. क्या कहा जाए, कंटेन्स अ लिंक्ड लिस्ट ऑफ द एलिमेंट्स डेट हैश टू द सेम स्लॉट. तो ये जो स्लॉट है वो क्या कंटेन करेगा, लिंक्ड लिस्ट कंटेन करेगा उन एलिमेंट्स की जिनका सेम इंडेक्स वैल्यू है, और यू कैन से जिनका सेम हैश वैल्यू है, ओके. द टर्म चेनिंग इज यूज टू डिस्क्राइब द प्रोसेस बिकॉज द लिंक्ड लिस्ट इज यूज. यहाँ पे इसको चेनिंग क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम लिंक्ड लिस्ट का यूज कर रहे हैं, विच इज लाइक अ चेन ऑफ द एलिमेंट्स. लिंक्ड लिस्ट कैसे होती है, इट इज लाइक अ चेन ऑफ एलिमेंट, जहाँ पे आप एलिमेंट्स की चेन बनाते हो, राइट. चेनिंग इज सिंपल बट रिक्वायर्स एडिशनल मेमोरी आउटसाइड द टेबल. अब चेनिंग क्या एक सिंपल प्रोसेस है, लेकिन इसके लिए हमें एडिशनल मेमोरी चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डेटा को स्टोर करें आउटसाइड द टेबल चेन बनाकर, राइट, ओके. अब यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल इसका देखते हैं. वेन वी यूज चेनिंग टू रिजॉल्व कॉलिजन, वी सिंपली अलाउ ईच स्लॉट इन द हैश टेबल टू एक्सेप्ट मोर देन वन वैल्यू, ओके. जब आप क्या कर रहे हो, चेनिंग का यूज कर रहे हो, तो एक ही स्लॉट को आप अलाउ कर रहे हो एक से ज्यादा वैल्यूज को एक्सेप्ट करने के लिए, राइट. देयरफॉर इन द एग्जाम्पल अबव 42 वुड सिंपली गो
इन दिस लॉट टू, तो जो हमारा पहले वाला एग्जाम्पल था जहाँ पे कॉलिजन अकर हो रहा था, वहाँ पे हम क्या करेंगे, सेम स्लॉट के अंदर आप 42 को भी मैप करोगे. कैसे? एज द हैश फंक्शन टोल्ड अस इन अ लिस्ट आफ्टर 22. तो यहाँ पे लिंक्ड लिस्ट की हेल्प से यहाँ पे जो ये वाला स्लॉट है उससे कनेक्ट हो जाएगी लिस्ट, राइट. ऐसे अगर और एक और एलिमेंट है जिसका जो हैश वैल्यू 2 है, वो भी क्या होगा, यहाँ पे आप उसको मैप कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ लिंक्ड लिस्ट, राइट. ओके, हियर सिंस वन स्लॉट हैज टू एलिमेंट्स, यहाँ पे एक स्लॉट में टू एलिमेंट्स है 22 and 42, अ लिंक्ड लिस्ट इज असाइंड टू इंक्लूड द अदर आइटम 42. तो यहाँ पे लिंक लिस्ट को इससे अटैच कर दिया गया है और 42 को इससे इस सेम स्लॉट पे मैप कर दिया गया, राइट. आप एक से ज्यादा आइटम्स को भी मैप कर सकते हो, राइट. तो चेनिंग की प्रोसेस में क्या है, आपको स्लॉट जो आपके जितने भी स्लॉट्स हैं, राइट, जितने भी आपके प्लेसेस हैं जहाँ पे आपको डेटा को मैप करना है, वो उनको आप लिंक लिस्ट से कनेक्ट कर सकते हैं. व्हेन यू यूज द चेनिंग टेक्निक, इंसर्टिंग और डिलीटिंग ऑफ आइटम्स विद द हैश टेबल इज फेयरली सिंपल एंड हाई परफॉर्मिंग. जब आप चेनिंग टेक्निक का यूज़ करते हो तो आप आसानी से इंसर्ट भी कर सकते हो डेटा को, डिलीट भी कर सकते हो, राइट. ओके, नेक्स्ट वी हैव क्लोज्ड हैशिंग और ओपन एड्रेसिंग. अनलाइक ओपन हैशिंग वेयर कलिजन्स आर रिजॉल्व्ड बाय चेनिंग एलिमेंट्स इन सेपरेट चेन्स. इससे पहले आपने ओपन हैशिंग किया जिसके अंदर आपने कलिजन्स को कैसे रिजॉल्व किया, बाय यूजिंग द लिंक लिस्ट, ओके, और बाय यूजिंग द चेनिंग, ओके. तो यहाँ पे क्लोज्ड हैशिंग कैसे होगा, क्लोज्ड हैशिंग एम्स टू स्टोर ऑल द एलिमेंट्स डायरेक्टली विद इन द हैश टेबल. क्लोज्ड हैशिंग के केस में आप कोई भी सेपरेट स्ट्रक्चर यूज नहीं करोगे, आप जितना भी एलिमेंट्स हैं उनको हैश टेबल में स्टोर करोगे विदाउट द यूज ऑफ एडिशनल डेटा स्ट्रक्चर्स लाइक लिंक्ड लिस्ट. जैसे आपने ओपन हैशिंग में लिंक्ड लिस्ट को यूज किया था, क्लोज्ड हैशिंग में आप कोई भी एक्सटर्नल डेटा स्ट्रक्चर को यूज नहीं करोगे, राइट. इन क्लोज्ड हैशिंग व्हेन अ कलिजन अकर्स एंड अ हैश स्लॉट इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड. जब क्लोज हैशिंग के केस में कलिजन होता है और हैश स्लॉट क्या है, ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, द एल्गोरिदम प्रॉब्स, जो एल्गोरिदम होता है, मेथड होता है, वो क्या करता है, वो देखता है, इट लुक फॉर द नेक्स्ट अवेलेबल स्लॉट इन द हैश टेबल अंटिल एन एम्प्टी स्लॉट इज फाउंड. ओके, वो नेक्स्ट जो उसको एम्प्टी स्लॉट चाहिए उसको तब तक ढूंढता है जब तक कि वो मिल नहीं जाता, राइट. ओके, तो ओपन जो आपका क्लोज्ड हैशिंग है उसको आप ओपन एड्रेसिंग भी बोलते हैं. ओपन एड्रेसिंग कलिजन हैंडलिंग मेथड्स आ, तो यहाँ पे हम तीन मेथड्स को देखेंगे, लीनियर प्रॉबिंग, क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग एंड डबल हैशिंग, राइट. फर्स्ट वी हैव द लीनियर प्रॉबिंग. In linear probing, if a collision occurs and a slot is already occupied, the algorithm linearly searches for the next available slot in a sequential manner. तो linear probing में क्या है, अगर collision occur होता है, okay, और आपका slot पहले से ही occupy है, तो यहाँ पे जो algorithm है, method है, वो linearly search करता है, item one by one search करता है slots को to find the empty slot, right, in a sequential manner. जैसे मान लो अगर 1 0 आपका slot occupy है तो 1 के पास जाएगा, 1 ऑक्यूपाई है तो 2 के पास जाएगा, ऐसे वो सिक्वेंशियल मैनर में स्लॉट को सर्च करेगा, राइट. स्लॉट क्या है, आपका ये स्पेस जहां पे डेटा को स्टोर किया जाएगा. इट चेक्स द नेक्स्ट स्लॉट एंड कंटिन्यूस चेकिंग सब्सिक्वेंट स्लॉट्स अंटिल इट फाइंड्स एन एम्प्टी स्लॉट. तो ये जो इसकी सर्चिंग है वो कहाँ कब तक चलती है, जब तक कि इसको एक एम्प्टी स्लॉट नहीं मिल जाता, राइट. अब लीनियर प्रॉबिंग के लिए आपका फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे देखो, हैश स्टैंड फॉर द हैश टेबल की, ओके, की इज द डेटा जो आप मैप करना चाहते हो, राइट, ओके, एंड आई आपका क्या है, नंबर ऑफ प्रॉब्स, ओके. नंबर ऑफ प्रॉब्स मतलब जितनी बार आप ढूंढ रहे हो उसको, जितनी बार आप चेक कर रहे हो नेक्स्ट सेल को, या नेक्स्ट आप कह सकते हो स्लॉट को, राइट. तो इसका फॉर्मूला क्या है, के मोड एम, तो के क्या है, की जो वैल्यू आप मैप करना चाहते हो, एम क्या है आपका साइज ऑफ द टेबल, एंड आई आपका है प्लस आई आपका क्या है प्रॉब, ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स यू आर लुकिंग फॉर द स्लॉट, ओके, मोड एम. तो यहाँ पे देखो, वेयर एम इज द साइज ऑफ द हैश टेबल, एम क्या है आपका साइज है हैश टेबल का, एंड आई इज द प्रॉब नंबर, ओके. अब आपको इस फॉर्मूला को कंसीडर करना है, ओके, या एग्जांपल कंसीडर इंसर्टिंग द कीज. अब आपको कीज इंसर्ट करनी है इनटू अ हैश टेबल ऑफ साइज, जहाँ पे आपका जो हैश टेबल का साइज है वो 11 है, और इसको हम कैसे इंसर्ट करेंगे, बाय यूजिंग द लीनियर प्रॉबिंग, ओके. नाउ हेयर वी हैव द कीज 24, 36, 58, 65, 62 and 86. ओके, नाउ वी विल यूज द फॉर्मूला. फॉर्मूला क्या है आपका, कीज, तो सबसे पहले हम 24 को इंसर्ट करेंगे, 24 मोड 11,
तो यहाँ पे 11 हमारा क्या है, टेबल का साइज, ओके, प्लस 0। अभी 0 क्यों है, आई जो प्रॉप की वैल्यू है वो 0 क्यों है, क्योंकि अभी हम फर्स्ट जो आपका स्लॉट है उसको ही चेक कर रहे हैं, नेक्स्ट स्लॉट पे हम नहीं गए हैं। तो ये आई की वैल्यू इनिशियली क्या होगी, 0 मॉड 11, राइट। तो यहाँ पे देखो 24 मॉड 11, तो ये आपका जो रिमाइंडर आया है 2, ओके, प्लस 0, तो ये हो गया 2 मॉड 11। 2 मॉड 11 में तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, 2, राइट। जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है 24, वो कहाँ पे जाके प्लेस होगा, वो आपका सेकंड इंडेक्स पे जाके प्लेस हो जाएगा। सेम यहाँ पे 36 हम क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे, 36 मोड 11 एंड इनिशियली आई की वैल्यू 0 होगी, और जैसे जैसे आप स्लॉट्स में आगे बढ़ते जाओगे, उसको सर्च करते जाओगे, वैसे ही आई की वैल्यू 1, 2, 3 ऐसे इंक्रीज होती जाएगी, मोड 11, राइट। तो आपका आ गया 36 मोड 11, रिमाइंडर आया 3 प्लस 0, तो 3 मोड 11 आपका आ गया 3, राइट। तो आपका 36 जाएगा इंडेक्स 3 पर, ओके। सेम आपका 58 मोड 11 प्लस 0 मोड 11, राइट। ये आप क्या कर रहे हो, सिंपली वैल्यूज को फॉर्मूला में पुट कर रहे हो, राइट। 58 मोड 11 में आपका रिमाइंडर आया 3 प्लस 0 एंड मोड 11, तो आपका ये आ गया है 3, इंडेक्स आपका आ गया है 3। अब देखो 3 पे ऑलरेडी हमारे पास 36 है, राइट। देखो सिंस टी जो आपका टेबल का 3 इंडेक्स है इज नॉट फ्री, सो द नेक्स्ट सिक्वेंस इज, तो अब क्या होगा, जो आई की वैल्यू थी इनिशियली जो 0 थी प्रॉप की, वो अब हो जाएगी आई की वैल्यू 1, राइट, क्योंकि आप नेक्स्ट स्लॉट को सर्च करोगे। तो अब यहाँ पे आप करोगे 58 मॉड 11, अब यहाँ पे प्लस 1 हो गया आई की वैल्यू मॉड 11, राइट। तो आपका यहाँ पे 58 मॉड 11 का आपका रिमाइंडर आया 3 प्लस 1, तो हो गया 4, 4 मॉड 11, तो ये आपका आंसर आ गया 4 इंडेक्स वैल्यू, राइट। तो आपका जो 58 है अब कहाँ पे मैप करोगे आप, इंडेक्स 4 पर, ओके। अब बाकी की वैल्यूज भी आप ऐसे ही इंसर्ट करोगे फार्मूला में पुट करके, 65 आपने प्लेस कर दिया इंडेक्स 10 पर, ओके। देन आपका 62 मोड 11 प्लस 0 मोड 11, ये आपको फार्मूला पता है, और यहाँ पे ये आपने इंडेक्स 7 पे प्लेस कर दिया 62 को। 86 आ गया हमारा, 86 आपने इंडेक्स 9 पर, ओके। सो दिस इज योर लीनियर प्रॉबिंग, ओके। नेक्स्ट वी हैव क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग। इन क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग इंस्टेड ऑफ प्रॉबिंग द नेक्स्ट स्लॉट लीनियरली, लीनियर प्रॉबिंग में आपने लीनियरली स्लॉट्स को 1 by 1 चेक किया था, राइट। बट क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग में आप लीनियरली स्लॉट को चेक नहीं करेंगे, द एल्गोरिदम यूजेज अ क्वाड्रेटिक फंक्शंस, यहाँ पे क्वाड्रेटिक फंक्शंस का यूज किया जाएगा टू डिटरमाइन द नेक्स्ट प्रॉब पोजिशन, नेक्स्ट प्रॉब पोजिशन को डिटरमाइन करने के लिए, राइट। द प्रॉबिंग सिक्वेंस फॉलोज अ क्वाड्रेटिक पैटर्न अंटिल एन एम्प्टी स्लॉट इज फाउंड, तो यहाँ पे जो प्रॉबिंग सीक्वेंस है आपका एक क्वाड्रेटिक पैटर्न को फॉलो करेगा, राइट, किसके लिए, एम्प्टी स्लॉट को फाइंड करने के लिए, राइट। तो यहाँ पे जो इसका फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग का, वो क्या है आपका, की मोड एम, के क्या है आपका, की मोड एम, एम इज द साइज ऑफ द टेबल, ओके। सी वन एंड सी टू, सी वन एंड सी टू क्या है आपके, ऑक्सिलरी कॉन्स्टेंट है, दीज आर द कॉन्स्टेंट वैल्यूज, ओके, विच इज नॉट जीरो, राइट, ओके। एंड आई आपका क्या है, प्रॉब वैल्यू, ओके। तो यहाँ पे सी वन आई प्लस सी टू आई स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे ये क्या है, आई स्क्वायर देन मोड एम, ओके। तो अब इस फॉर्मूला को पुट करके आप क्या करोगे, पोजीशंस निकालोगे वेर आपको, जहाँ पे आपको अपने डेटा को मैप करना है। तो हेयर वी हैव द एग्जाम्पल, कंसीडर इंसर्टिंग द कीज, तो ये आपके पास कीज है, इन टू अ हैश टेबल ऑफ साइज 11, राइट, यूजिंग क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग विद सी वन, यहाँ पे हमने लिया है 1 एंड सी टू आपने क्या लिया है 3, ओके। तो ये वेरिएबल्स हैं आपके सी वन एंड सी टू, सी वन को आपने 1 लिया है, सी टू को आपने 3 लिया है, राइट, ओके। नाउ दिस इज आवर फॉर्मूला जिसके अंदर हम पुट करेंगे, तो आपको जो फर्स्ट की मैप करनी है 74 मोड 11, 11 आपका क्या है, साइज है आई। अब देखो फर्स्ट जो इनिशियल आपकी आई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ओके। तो यहाँ पे इनिशियल आपने आई की वैल्यू क्या लिए, 0 प्लस 3 इंटू आई स्क्वायर भी क्या होगा आपका, 0 मोड 11, राइट। तो यहाँ पे आपका 74 मोड 11 रिमाइंडर आ गया 8 प्लस 0 0 एंड 8 मोड 11 आपका आ गया 8। तो आप 74 को कहाँ पे मैप करोगे, एट द इंडेक्स 8, राइट। नेक्स्ट आपका 28 है, 28 जो वैल्यू है आप उसको मैप करोगे, 28 मोड 11
प्लस जीरो, आई की वैल्यू इनिशियली जीरो है आपकी, ओके, थ्री इंटू जीरो मोड इलेवन, ओके, तो आपका 28 मोड इलेवन रिमाइंडर आएगा सिक्स, प्लस जीरो जीरो सिक्स मोड इलेवन आपका आ गया सिक्स, आपने 28 जो आपका एलिमेंट है उसको आपने सिक्स इंडेक्स पर मैप कर दिया, राइट, ओके. नेक्स्ट वी हैव द 36. 36 आपने सेम फॉर्मूला पुट किया और 36 को आपने टेबल के थर्ड इंडेक्स पर मैप कर दिया, राइट. अब हमारे पास है 58, ओके, 58 मोड 11 प्लस आपने क्या किया, आई की वैल्यू क्या है जीरो, एंड थ्री इंटू आई स्क्वायर भी यहाँ पे क्या है जीरो, तो आपके पास 58 मोड 11 का रिमाइंडर आ गया थ्री प्लस जीरो जीरो, ओके, मोड 11 थ्री, तो आप यहाँ पे देखो जो यहाँ पे जो हैश वैल्यू आई है वो थ्री आई है और थ्री पे हमारे पास ऑलरेडी वैल्यू है 36, राइट. तो अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे देखो टेबल का जो आपका थ्री इंडेक्स इज नॉट फ्री, सो नेक्स्ट प्रॉफ सिक्वेंस इज कंप्यूट. अब नेक्स्ट प्रॉफ सिक्वेंस आप कंप्यूट करोगे, अब आपकी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी, 58 मोड 11 प्लस आई, ओके, प्लस थ्री इंटू आई स्क्वायर, राइट, आई स्क्वायर में क्या वन स्क्वायर, तो ये एंड मोड 11, तो आपका 3 आ गया, 58 मोड 11 आपका 3 रिमाइंडर आ गया, प्लस 1 ये वाला 1, ओके, आई वाला 1, ओके, एंड दिस इज 3, आई 3 इंटू वन स्क्वायर 3, राइट, तो ये आपका हो गया यहाँ पे 7, 7 मोड 11 7, तो जो आपका पहले थर्ड इंडेक्स आया था अब वो आ गया 7, तो आप 58 को जो आपकी एलिमेंट है वैल्यू है आप 7 इंडेक्स पे प्लेस कर दोगे, राइट. ऐसे ही आपके पास वैल्यूज़ हैं 21 को आपने फॉर्मूला में पुट किया और आप इसको इंडेक्स 10 पे प्लेस कर दोगे, देन 64 को आप इंडेक्स 9 पर प्लेस कर दोगे, लाइक दिस, राइट, ओके. नेक्स्ट वी हैव डबल हैशिंग, इट यूटिलाइजेस टू हैश फंक्शंस टू डिटरमाइन द प्रॉप सीक्वेंस. टू डबल हैशिंग में हम क्या करते हैं, दो हैश फंक्शन का यूज करते हैं प्रॉप सीक्वेंस को निकालने के लिए, राइट. व्हेन अ कलिजन अकर्स द इंक्रीमेंट्स फॉर द प्रॉबिंग सीक्वेंसेस आर कंप्यूटेड बाय यूजिंग द हैश फंक्शंस. अनदर हैश फंक्शन, राइट. तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जब कलिजन अकर होता है तो कैसे इंक्रीमेंट करना है, प्रॉबिंग सीक्वेंस कैसे आगे बढ़ेगी, ये कौन कंप्यूट करता है, एक और हैश फंक्शन जो इसमें हम यूज करें वो जो हमारा सेकेंड वन हैश फंक्शन है वो इसको कंप्यूट करता है, राइट. अब यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या है, द हैश फंक्शन यूज फॉर डबल हैशिंग इज के मोड एम, तो ये जो के मोड एम है आपका फर्स्ट हैश फंक्शन है, एंड आई के मोड एम, और यहाँ पे आपने लगाया हुआ है कोमा, ठीक है, तो ये आपका सेकेंड हैश फंक्शन है, एंड देन मोड एम, राइट. अब देखो व्हेन एम इज द साइज ऑफ द हैश टेबल, एम क्या हैश टेबल का साइज, आई इज द प्रॉब नंबर, आई आपका प्रॉब नंबर है, इनिशियली जीरो होगा फिर इंक्रीमेंट इंक्रीज होता जाएगा 1 2 3 ऐसे, इसकी जो लास्ट वैल्यू होगी एम माइनस वन, राइट, और यहाँ पे एम कोमा जो आपका है, नॉट कोमा, एम जो आपने यहाँ पे सिंगल कोट लगाया है, m इज टेकन स्लाइटली लेस देन m, तो जो इसकी वैल्यू है जो वो m से थोड़ी कम होगी, हम इसको ले सकते हैं m माइनस वन या फिर m माइनस टू, कुछ भी ले सकते हैं आप इसको, ठीक है. तो डबल हैशिंग का हम एग्जाम्पल देखेंगे. कंसीडर इंसर्टिंग द कीज, आपको ये कीज इंसर्ट करनी है इनटू द हैश टेबल ऑफ साइज 11 यूजिंग डबल हैशिंग. कंसीडर दैट द ऑक्सिलरी हैश फंक्शंस आर, आपके ये क्या है h1 एंड h2 हैश फंक्शंस हैं, राइट. तो हमने फर्स्ट में जो आपकी m की वैल्यू है वो 11 ली है और जो सेकंड हैश फंक्शन है उसमें m जो m आपका m ये वाला m था, ठीक है, इसकी वैल्यू हमने 9 ली है, m मतलब यहाँ पे m माइनस 2 लिया है हमने, ठीक है, ओके. दिस इज योर फॉर्मूला. अब सबसे पहले आपको 76 को इंसर्ट करना है. h1 आपने निकाल लिया 76 मोड 11, ठीक है, ये आपका 76 मोड, ये आपका h1 है ना, h1 76 मोड 11, तो आपका रिमाइंडर आ गया 10. अब आपने h2 को निकाला 76 मोड 9, क्योंकि यहाँ पे हमने जो आपका m कोट्स आपने लिया सिंगल कोट उसकी वैल्यू आपने 9 ली है, ठीक है, 76 मोड 9 ये आपका आ गया 4, इतना आ गया. अब आपने h1 और h2 की वैल्यू निकाल ली है, राइट. अब हम इसको इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे, h1 10 प्लस i, प्रॉप की वैल्यू क्या है अभी इनिशियली i की वैल्यू क्या है 0 इंटू 4, राइट, ये आपका 4 निकल के आया था, इंटू 4 मोड 11, तो ये 0 हो जाएगा, 10 मोड 11 आपका आ गया 10, राइट. तो जो 76 है वो कहाँ पे जाके प्लेस होगा, 10 इंडेक्स पे जाके प्लेस होगा. ऐसे ही आपने 26 को निकाला, राइट, इंसर्ट किया, मतलब आपने पहले h1 की वैल्यू निकाली, 26 मोड 11 4 आ गया, 4 रिमाइंडर आ गया, देन 26 मोड 9, क्योंकि यहाँ पे हमने m की वैल्यू क्या ली है 9, ये 8 आ गया, इसको आप फॉर्मूला में पुट करोगे 4 प्लस 0 i की वैल्यू है इंटू 8,
राइट, ये वाला 8 mod 11, तो 4 mod 11 ये तो 0 हो जाएगा आपका कंप्लीट, ओके 4 mod 11 आपका आ गया 4, तो आपने 26 को कहाँ प्लेस कर दिया 4 पर, ओके। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, इंसर्ट 37, 37 mod 11 आपने H1 की वैल्यू निकाल ली 4, देन 37 mod 9 H2 की वैल्यू होगी 1, राइट इसको हम फॉर्मूला में पुट करेंगे 4 + 0 × 1, ठीक है ये आपका 0 हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा 4 mod 11, 4 mod 11 आपका हो गया 4, ऑलरेडी 4 क्या है हमारा ऑक्यूपाइड है, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रोब करेंगे तो आपकी I की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है। अब देखो 4 ये आपका H1 का हो गया, राइट 1 आपकी I की वैल्यू है, देन 1 आपका क्या हो गया ये H2 की वैल्यू, ठीक है मोड 11 राइट, तो 5 mod 11 आपका 5, तो आप 37 को अब नेक्स्ट इंडेक्स पे प्लेस कर देंगे 37 पे। ऐसे देखो आपने 59 को प्लेस किया है, 59 के लिए आपने क्या किया, पहले H1 की वैल्यू निकाली 4, देन आपने H2 की वैल्यू निकाली 5, ओके 4 आपने यहाँ पे H1 की वैल्यू प्लस I क्या है आपकी, I की वैल्यू 0 है इंटू 5, ओके तो आपका क्या आ जाएगा 4 mod 11, तो 4 अगेन 4 इंडेक्स पे आपका 26 है, तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट प्रॉब को करेंगे, नेक्स्ट प्रॉब में आपका क्या होगा I की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो आपने H1 की वैल्यू आपकी 4 है प्लस 1 इंटू 5 क्या है आपकी H2 की वैल्यू है, ओके तो ये आपका आ गया 9, ओके 9 mod 11 9, तो आप 59 को कहाँ प्लेस कर दोगे 9 इंडेक्स वैल्यू पर प्लेस कर दोगे, राइट ओके। नेक्स्ट वी हैव द 21 के अंदर आप क्या करोगे, अगेन H1 की वैल्यू निकालोगे H2 की वैल्यू निकालोगे राइट, और उसको आप क्या करोगे फॉर्मूला में पुट करोगे, H1 की वैल्यू 10 राइट, एंड देन आपकी H2 की वैल्यू हो गई यहाँ पे 3, और प्रॉप की वैल्यू क्या है, I की वैल्यू क्या है 0, तो ये आपका क्या आ जाएगा 10 mod 11 10 राइट, 10 इंडेक्स पे हमारा 76 है राइट, तो हम नेक्स्ट प्रॉप करेंगे, नेक्स्ट प्रॉप के अंदर क्या होगा 10 H1 की वैल्यू प्लस 1, अब I की वैल्यू 1 होगी इंटू 3, तो ये आपका क्या आ गया 13, पूरा टोटल 13 mod 11 ओके, तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा 2, ओके तो अब आप 21 को कहाँ इंसर्ट कर दोगे, इंडेक्स 2 पर इंसर्ट कर दोगे राइट, ओके। नेक्स्ट वी हैव द 65 में भी आप सेम प्रोसीजर यूज करोगे, H1 निकालिया आपने 10 एंड H2 आपका आ गया 2, आपने फॉर्मूला में पुट किया H1 प्लस I की वैल्यू अभी 0 है इंटू 2, तो आपका आ जाएगा 10 mod 11 की वैल्यू होगी 10 पे हमारा 76 है, तो हम नेक्स्ट प्रॉफ सिक्वेंस करेंगे ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 10 H1 की वैल्यू प्लस 1, अब I की वैल्यू 1 होगी इंटू 2 क्या है आपका H2 की वैल्यू राइट, ओके तो ये आपका हो जाएगा 12 mod 11 आपका आ गया इंडेक्स 1, तो आप यहाँ पे 65 को कहाँ इंसर्ट कर दोगे इंडेक्स 1 पर इंसर्ट कर दोगे ठीक है। दिस आफ्टर इंसर्शन ऑल द कीज द फाइनल हैश टेबल इज दिस, ये आपकी फाइनल हैश टेबल आ गई है ओके ओके एवरीवन, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।